इस साइंटिस्ट ने आत्मा देखने वाले यंत्र का आविष्कार कर लिया था, इसलिए वो बाजार से कुछ उपकरण लाकर उस यंत्र को टॉर्च का रूप देता है, जिसे लेकर साइंटिस्ट एक खंड बड़े होटल में पहुंचता है, जहां वो अपनी टॉर्च चालू करके होटल में घूमने लगता है। और जब उसकी टॉर्च की रोशनी म्यूजिक प्लेयर पर पड़ती है, तो उसे कमरे में कई सारे कपल डांस करते हुए दिखाई देते हैं, पर शायद उसकी आंखें किसी और की तलाश कर रही थी। यहां उसे मछलियों की आत्मा भी हवा में तैरती दिखाई देती है। आगे जाने पर उसे किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। साइंटिस्ट आवाज़ का पीछा करते हुए एक कमरे में पहुंचता है, जहां पर इंसान की बॉडी में कोई जानवर दीवार खरोच रहा था। जानवर साइंटिस्ट को देख लेता है, इसलिए वो उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसमें साइंटिस्ट की टॉर्च टूट जाती है। साइंटिस्ट अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है, और वो भागते हुए एक कमरे में छुपकर अपनी टॉर्च का बल्ब बदलने लगता है। तभी उस कमरे में वो आत्मा आ जाती है, जो फिर से साइंटिस्ट पर हमला करने की कोशिश करती है, पर इस बार वो जानवर टॉर्च को छू लेता है, जिससे उसकी बॉडी जलने लगती है, जिसे देखकर वो जानवर डरकर भाग जाता है। इसके बाद वो साइंटिस्ट जमीन के नीचे बने तहखाने में जाता है, जहां उसे एक लेडी दिखाई देती है।